ऑलराइट, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? ऑलराइट, सी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, और ये टॉपिक क्या है? दिस इज विल पावर। विल पावर क्या है ये आपने बहुत सारी जगह पढ़ा होगा, सुना होगा, और बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन मूवीज में भी इस तरह से सब चीज़ें दिखाई गई होंगी। बहुत सारे लोगों ने आपको बोला होगा कि विल पावर एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जिंदगी में कुछ भी पा सकते हो, जो भी करो पूरी दृढ़ इच्छा से करो, दृढ़ इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, विल पावर। कितनी बार आप अपनी लाइफ में ऐसा सुन चुके हैं, लेकिन क्या आपने वास्तव में कभी जाना या जानने की कोशिश की कि विल पावर को कैसे डेवलप किया जा सकता है हमारी जिंदगी में, और विल पावर का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ के अंदर? आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस वेरी ब्रीफली टूडे, देन स्टेप बाई स्टेप वी विल गो डीप इन द विल पावर, हाउ टू स्ट्रेंथन देन इन योर लाइफ एंड हाउ टू डेवलप दैट स्टेप बाई स्टेप, राइट? सो वेरी ब्रीफली आई एम गोइंग टू टेल यू दैट देर आर 12 टाइप्स ऑफ विल पावर। जी हाँ, 12 तरह की इच्छा शक्ति होती है। आउट ऑफ देम कुछ ऐसी हैं जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ ऐसी हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी है जिसको डेवलप किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, और आपके हिसाब से आप उनको मॉडिफाई करके स्ट्रेंथन बना सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, आप उन्हें अचीव कर सकते हैं, आप वहां तक पहुंच सकते हैं, और एक बार वहां पे जाने के बाद आप जो बेनिफिट उनसे लेना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, वो सब कुछ आप अपनी लाइफ में ले सकते हैं। और ये किसी भी तरह का हो सकता है, ये मटेरियलिस्टिक हो सकता है, ये स्पिरिचुअल हो सकता है, तो जैसा आप चाहो वैसे आप इनको यूज कर सकते हो। आज जो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा वो बहुत बेसिक थिंग्स हैं, बहुत आधारभूत तथ्य है जो इच्छा शक्ति से जुड़े हुए हैं, बस वही बात करूंगा। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी भी हैं जो इस तरह ओपनली डिस्कस नहीं की जा सकती, क्योंकि उनमें बहुत सारे ऐसे सीक्रेट पॉइंट्स हैं कि अगर वो गलत इंटेंशन के साथ में डेवलप किए जाएं तो डिस्ट्रॉय, बहुत बड़ा डिस्ट्रॉय ही क्रिएट किया जा सकता है उनका यूज करके। तो वी विल टॉक ओनली दोज थिंग विच कैन क्रिएट सम वैल्यूएबल थिंग्स इन अवर लाइफ एंड विल हेल्प अस टू अचीव व्हाट एवर वी आर लुकिंग फॉर, वी आर सीकिंग इन अवर लाइफ। दैट्स ऑल। ऑलराइट, तो 12 तरह के विल पावर्स में हमारे लिए क्या है, राइट? सबके सब जानने की जरूरत नहीं, हमें ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं। ज्यादा ज्ञान ईगो आपका क्रिएट कर सकता है, जरूरी नहीं कि आपको सक्सेस दे। तो हमारे मतलब की चीज क्या है, सिर्फ उसी बारे में हम बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊंगा अभी, देन वी विल टॉक कि हाउ टू डेवलप दिस विल पावर, कैसे काम करती है, किस तरह की होती है। थ्री थिंग्स है हमारी लाइफ में। देखिए, अगर मैं डिजायर्स की बात करूं, मैं विशेष की बात करूं, और फिर डिटर्मिनेशन की बात करूं, थ्री थिंग्स को सबसे पहले मैं यहां पर आपको डिस्क्राइब करना चाहूंगा। आप एक स्टिक लीजिए और पानी में एक लाइन बनाइए। देखिए, जैसे जैसे आप बनाते जा रहे हैं साथ साथ में वो डिसअपीयर होती चली जाएगी, राइट? दूसरा, आप गीली मिट्टी में उसी तरह की एक लाइन बनाइए। उसकी लाइफ कितनी है, उसका एग्जिस्टेंस कुछ टाइम ज्यादा होगा, राइट? जब तक कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना आए, जब तक कि उसे वाटर ना आए, कोई चल के ना चला जाए, जब तक कुछ हर्डल्स ना आए, वो रहेगी, और उसके बाद में धीरे 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 ऑटोमेटिकली रिजेड हो जाएगी या फिर डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी, एंड देयर विल नॉट बी एनी एग्जिस्टेंस ऑफ दिस लाइफ, राइट? नाउ व्हाट, थर्ड क्या है, रॉक। अब सीजल हैमर के साथ में जो एक रॉक पे लाइन बना देते हैं वो है वेरी डिटरमाइंड विल पावर, राइट? ये रॉक अगर टूट भी गई उस कंडीशन में भी, लाइन जो आपने बनाई है उसका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगा। आर यू गेटिंग मी? ऑलराइट, सो हाउ टू डेवलप दैट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थिंग्स, आई टेल यू। कुछ चीजें ऐसी है जो आप चाहते हो लाइफ में, और आप जैसे जैसे टाइम बीतता है आपकी लाइकिंग्स चेंज होती चली जाती हैं, और कुछ चीज़ें बहुत ही जल्दी 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 होती हैं। हो सकता है आपका कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ देर बाद कुछ और खाने का मन करे, तो आपने थोड़ी सी टेस्ट करके देखी, आपने कहा नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, वो लेते हैं, आप कुछ और चीज़ खरीदना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर डिज़ाइन के आपने कुछ और देखा, आपको कुछ और अच्छा लगने लग गया, बहुत जल्दी 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 आपकी
विशेष चेंज होती हैं, डिज़ायर्स चेंज होती हैं, तो यहाँ पे उस वो विल पावर काम नहीं करती, राइट? क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली उन चीज़ों को चेंज करते जा रहे हैं, तो पावर जनरेट होना और अपनी बॉडी को उस लेवल पे लेकर आना कि वो आपके लिए काम करे वो सारी पावर्स, ये पॉसिबल नहीं होता इस कंडीशन में। कुछ चीज़ें जो थोड़ी देर के लिए हमारी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंस रखती है, हम सोचते हैं कि काश हमको ये मिल जाए या काश हम इन चीज़ों को अचीव कर ले, या हम कुछ समय तक उसके लिए ट्राई करते हैं, हर्डल्स आती हैं, फिर ट्राई करते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं, कुछ कोशिशें करते हैं, उसके बाद हार मान लेते हैं, सरेंडर कर देते हैं, धीरे धीरे उस चीज़ों से दूर हो जाते हैं, हमारी विल पावर जिसके बात कर रहा हूँ वो भी यहाँ पर काम नहीं आएगी। नाउ वॉट, अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की, जो लाइन आपने बनाई रॉक पे वो कैसे काम करती है आपकी। आपने एक चीज़ चाही और आपने कहा मुझे अचीव करना है, ये स्पिरिचुअल थिंग्स हो सकती है, ये मटेरियल रिलेटेड थिंग भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, राइट? ये गॉड हो सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा कोई वेल्थ हो सकती है, ये फेम हो सकती है, या वट एवर अचीवमेंट यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ, वट एवर मीन्स वट एवर, चाहे जो भी हो, तो हाउ इट वर्क्स आई टेल यू। आपने कुछ चीजें सोची कि मुझे अचीव करना है और यू आर डिटरमाइंड अबाउट दैट एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, फाइन। और जो भी हर्डल्स आपके रास्ते में आती हैं, यू आर गोइंग फॉर द सॉल्यूशन, यू आर फाइंडिंग सॉल्यूशन, यू आर अप्लाइंग इन योर लाइफ, यू आर चेंजिंग योर सेल्फ, यू आर लर्निंग थिंग्स, एंड विद द टाइम यू आर वर्किंग एंड प्रैक्टिसिंग ऑन इट। नाउ वॉट चेंजेस इट इज ब्रिंगिंग टू योर लाइफ, टू योर बॉडी, टू योर मेंटल लेवल, what changes you see, you observe. I tell you one thing, how many cells there are in our body? Many billions, 2600 billions maybe, right? Many billions cells there are. हमारी जो कोशिकाएं, हमारी जो body जिनसे बनी हुई है, हमारी body जिन चीजों से बनी हुई है, सारे nervous system, हमारा brain system, ये सारी की सारी चीजें एक तंत्र हैं, 9 तरह के तंत्र में हमारे पूरे शरीर को बांटा गया है। और ये सारे के सारे तंत्र जो काम कर रहे हैं, इनके पीछे कौन है, कुछ कौन सी चीज़ें जो आपके हार्ट को पंप करवा रहा है? क्या हमने कोई बैटरी वहाँ पे लगाई हुई है कि वो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है? क्या पूरे नर्वस सिस्टम, पूरा हमारे बॉडी का सिस्टम, जितने भी काम चल रहे हैं वो क्या है, वो कैसे काम कर रहे हैं, उनके पीछे कौन सी पावर काम कर रही है? आप देखिए, देयर इज सम इलेक्ट्रिसिटी वर्किंग ऑन इट, राइट? एंड ये जो वर्किंग ऑन इट जो है, ये सारी चीजें, सारे फंक्शंस जो हमारे शरीर में हो रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी पावर है जो इनसे काम करा रही है। ये हमें कहाँ से मिलती है? वी आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स, दिस पावर फ्रॉम वेयर? इज दिस फ्रॉम योर फूड? वट एवर यू आर ईटिंग, आर यू गोइंग टू गेट द एनर्जी? एंड फ्रॉम दिस एनर्जी आर यू यूजिंग ऑल दिस पावर्स ऑफ द बॉडी फॉर रनिंग ऑल दिस सिस्टम्स? आपके बॉडी में जितने तंत्र हैं उनको चलाने के लिए क्या आपका फूड से आपको जो पावर मिलती है वो है? No, absolutely not. I tell you, ये पूरा सिस्टम, पूरा वर्ल्ड, ये नेचर, मदर नेचर, ये सारी की सारी जो पावर जिनकी हम बात करते हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं, मदर नेचर जिससे हम सब बने हैं, हम उनसे दूर नहीं हो सकते किसी भी कंडीशन में। ये सारी की सारी चीज़ें जो हम किसी भी तरह से एनर्जी लें, वो एनर्जी हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होकर पूरी सेल्स को इलेक्ट्रीफाई करती है। व्हाट? इलेक्ट्रीफाई करती है। और ये सारी की सारी चीज़ें जैसे 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 आप आगे बढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस, आप थॉट लेवल पे जो काम कर रहे हो, थॉट्स कंटिन्यूसली यू आर वर्किंग ऑन वन थिंग, क्योंकि आपका सारा टारगेट, सारा अचीवमेंट जो आपको करना है आपकी लाइफ में, एक ही चीज पर फोकस है। यू आर वर्किंग ऑन इट, एंड व्हाट इज चेंजिंग दिस थिंग इन योर बॉडी, ऑन योर ब्रेन? आई टेल यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपके सेल्स का ये इंक्रीज करती है, ये थॉट्स, आपके विल पावर इस चीज को पाने की, ये विल पावर जनरेट होती है पूरे बॉडी में इस तरह से। ये दिस इज नॉट द मैटर ओनली ऑफ द ब्रेन, राइट? Every cell has its existence, and that cells is going to be magnified, electrified, and this is creating electromagnetic power. And what does it do? What is this electromagnetic power? I tell you, willpower ka isse direct connection hai.
पूरे विल पावर, पूरी फोर्स, फोर्स का मतलब ऑन मेंटल लेवल, ऑन फिजिकल लेवल, ऑन थॉट लेवल, एंड वट एवर पावर यू हैव विद योर एग्जिस्टेंस, ऑल दोज पावर्स आर वर्क कमिंग टूगेदर एंड वर्किंग टूगेदर दैट इट बिकम्स विल पावर. एंड दिस विल पावर इज क्रिएटिंग अ फील्ड अराउंड यू इन योर बॉडी इन एवरी सेल, 2600 billion सेल्स पर यह काम कर रही है. एक एक सेल आपकी मैग्नेट बन रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर क्रिएट हो रही है यहां पर. और ये क्या करता है, आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पर, अगर आप कभी कभी आपको ये नॉलेज दी हो किसी ने, या किसी तरह से आपको ये जानकारी मिली हो सकता है डिस्कवरी में या किसी इसी तरह के चैनल पर, ईथर जिसे हम कहते हैं यानी कि स्काई, जब हम भगवान की बात करते हैं जो भी कहता है हर कोई ऊपर देखता है भगवान, या मैं बात करूंगा ईथर की, बहुत बड़ा नॉलेज का डेटा सेव है ईथर में. जो भी इंफॉर्मेशन आपको आपकी सक्सेस के लिए चाहिए वो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर के थ्रू आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने लिए. और वो हर एक सरकमस्टेंसेस जो आपके सक्सेस के लिए चाहिए, वो हर एक नॉलेज जो आपको आपके सक्सेस के लिए चाहिए, वो हर एक इंफॉर्मेशन जो आपको आपके सक्सेस के लिए चाहिए, वो हर एक पावर जो आपको आपके सक्सेस के लिए चाहिए, वो सारी की सारी चीजें ये ईथर, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है. इस दुनिया में कोई ऐसा सीक्रेट नहीं जहां जिसका सॉल्यूशन, जिसका रिप्लाई यहां पर ना हो. यू कैन रिवील एवरी सीक्रेट इफ यू आर एबल टू यूज योर विल पावर, बिलीव मी, राइट. इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं आपको कैसे बता सकता हूं, मुझे लगता नहीं. मुझे सीधे इस पॉइंट पे आना चाहिए कि आप डेवलप कैसे करें. आर यू रियली इंटरेस्टेड? ओके, आई टेल यू वन थिंग, चूज सम टास्क व्हाट यू वांट टू डू, इजी टास्क, राइट. And these easy task, you make a timetable or you frame your time, right? And according that, you finish this task, whatever it takes. Once you decide, you do this. Or until you do this, you do not stop. Whatever hurdles you face, whatever challenge you face, you will not stop. You do this. This is the first task. And very easy task you need to choose, right? And write it on a paper with date. Right? Suppose a very simple task, you think this task is very easy, you want to go for morning walk, but you feel that you cannot get up early in the morning. Fine, this is the best thing for practicing, right? For strengthening your willpower. What you need to do? You set a time and you determine that you will get up, and you get up on that time and you go for morning walk. You may be failed for the first time. Or maybe sometimes it may happen that the first day you are successful in getting up early. The second day you may fail because you are satisfied. You think you had done that. So every day you will be able to do that the same thing. It will be easy task for you, right? But that is not your habit yet. So with the same willpower, with the same instruction, you give instructions to your mind, to your body that you will have to get up the next day at the same time. I mean, the time you have stipulated for morning walk. You go for that. It may be any task. Whatever you think you want to do but you could not make it, you choose it. Second step, you make it. Right? Now select a task which is not easy for you. That much easy but not that much tough. Right? बहुत ज्यादा आसान नहीं और बहुत ज्यादा कठिन नहीं. तो इस तरह का एक टास्क आप सेलेक्ट करो जो आपको लगता है कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, यू डोंट नो और यू मे बी नर्वस अबाउट दैट, राइट. यू चूज इट एंड यू स्टार्ट डूइंग इट. यू राइट इट ऑन योर नोटबुक विद डेट, राइट. आई एम टेलिंग यू, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट फ्रॉम ऐसी जगहों से जहां पे आप सोच नहीं सकते, अनएक्सपेक्टेड सोर्स के थ्रू आपको हेल्प मिलती है, आपको सपोर्ट मिलता है, आपको आइडियाज मिलते हैं. और आप सोचोगे कि आपने पहले क्यों नहीं किया. आर यू गेटिंग मी? आप सोचोगे कि आपने पहले क्यों नहीं किया, पहले करते तो पहले तब भी हो सकता था. बट डजंट मैटर, वी नीड नॉट थिंक व्हाट हैज गॉन, थिंक व्हाट इज इन योर हैंड नाउ, राइट. थिंक
about that only. So what is happening now? You choose this task, you will face some problems. You will face some problems. It may be any kind of problem, but this is hurdle that is stopping you from achieving that task, right? But you don't shackle your idea, your intention, your goal, right? To be on it. You be on it and you keep on walking, keep on walking, keep on walking, keep on walking, keep on walking on it. And you will find one day you will start revealing new sources of information, new sources of motivation, new sources of inspiration. And that day you will be a new person. You will find the power. Now you are ready to connect with the high power of the world, the supreme powers, the divine powers of the world. You are making yourself, your brain, your body, your intention, your thoughts, and your wills, your desires, your dreams, everything combined together and communicate with the ether, the supreme source of the success and data and information and everything and every existence. Are you getting me? All right. Now what to do? Now you reach to the third phase. You select those tasks which you think not possible for you. Are you getting me? Choose those tasks. Un tasks ko aap karo. All right. Third phase. तो आपको क्या करना है? आपको एक toughest task अब select करना है. अच्छा, टास्क का मतलब ये नहीं कि कोई भी काम, इट मे बी ऑफिशियल, इट मे बी रिलेटेड टू योर एजुकेशन, एकेडमी, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी योर हैबिट्स. हैबिट्स जिसके आगे आप सरेंडर कर चुके, जिसके आगे आपको लगता है कि कभी भी आप इन हैबिट्स से दूर नहीं भाग सकते या इन हैबिट्स को दूर नहीं कर सकते, और वो हैबिट्स लगातार आपको नुकसान पहुंचा रही है. कुछ भी हो सकता है ये टास्क, कुछ भी, जो भी आपको लगता है. It may be related to the spiritual life, it may be related to the materialistic life, whatever you think. But select it, work on it, and you will be amazed. Keep my words. You will be amazed to see the power of the universe, the power of divine will, right? That is in the ether. And I will continue this in the next video. All right, all the best. Thank you very much.